नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से। जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर कृषि बिल के विरुद्ध को लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वेब से आदि पार्टियों ने जमकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसमें जनपद के दिग्गज नेता, सपा के पूर्व विधायक, राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह डब्लू, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष पाठक एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही में जुट गई। खास रिपोर्ट सुजीत कुमार चंदौली। आज दिनांक 14 दिसंबर को जनपद चंदौली में कृषक संबंधी मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय व्यक्तियों के द्वारा परिशांति भंग करने का प्रयास किया गया, जिनके द्वारा पूर्व में भी ऐसा प्रयास किया गया था, तथा इन व्यक्तियों के खिलाफ धारा 151 CRPC के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा पूर्व में दिए गए बंद पत्र के अनुसार जमानत वसूली हेतु भी संबंधित न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम हैं राजीव, अजय प्रताप, मनोज कुमार सिंह डब्लू, अवनीश कुमार, अखिलेश।